भगवान बुद्ध के धम्मपद सूत्रों में से अब तक हमने 15 सूत्रों में विचार किया, गहरे में अपने जीवन में उतारने की कोशिश की, समझने की कोशिश की और अपने जीवन को बदलने की कोशिश की है। आज हम धम्मपद सूत्र 16 की बात करेंगे, जिसमें बुद्ध कहते हैं, इध मोदति पेच मोदति कत पुयो उभयत्थ मोदति सो मोदति सोपमोदति दिस्वा कम विशुद्धिमत्तनो। इध मोदति पेच मोदति कत पुयो उभयत्थ मोदति सो मोदति सोपमोदति दिस्वा कम विशुद्धिमत्तनो। इस लोक में भी मोद करता है और परलोक में जाकर भी पुण्यात्मा दोनों जगह मोद करता है। वह अपने कर्मों की विशुद्धि को देखकर मोद करता है, प्रमोद करता है। श्रावस्ती के जेतवन में धार्मिक उपासक को उपदेश करते हुए बुद्ध कहते हैं कि जो सदाचारी व्यक्ति होता है वह इस संसार में भी सुखी रहता है और वह परलोक में भी सुखी रहता है। वह अपने कर्मों की विशुद्धता को देखकर हर्षित एवं आनंदित होता है। बहुत साधारण सा सूत्र लगता है, लेकिन मनुष्य की जिंदगी अगर अप्रमाद से भरी हो तो सदाचारी व्यक्ति पैदा होता है और यह सदाचारी व्यक्ति हर तरफ सुख का अनुभव करता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, एक व्यक्ति कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार में जाता है और बाजार में एक दुकान में पूछता है कि आलू की कीमत क्या है, वह कहता है 10 रुपए किलो। दूसरी दुकान में जाता है, वह कहता है 8 रुपए किलो। और तीसरी दुकान में जाता है, तीसरी दुकान वाला कहता है 12 रुपए किलो। अब पहले व्यक्ति ने कहा 10 रुपए किलो, दूसरे व्यक्ति ने कहा 8 रुपए किलो और तीसरे व्यक्ति ने कहा 12 रुपए किलो। अब जो प्रमाद से भरा व्यक्ति है उसको गुस्सा आ जाता है। वो कहता है एक व्यक्ति 10 रुपए बेच रहा है, एक व्यक्ति 8 रुपए बेच रहा है, एक व्यक्ति 12 रुपए बेच रहा है, तुमने मजाक बना रखा है। कोई कीमत एक सा आलू और अलग अलग पैसे तुम लूट रहे हो। तो 12 रुपए वाला जिसके पास वह अंत में गया है उससे उसका झगड़ा हो जाता है कि तुम 12 रुपए किलो दे रहे हो, दूसरा 10 रुपए किलो दे रहा है, एक 8 रुपए किलो दे रहा है और 8 रुपए किलो के आलू को तुम 12 रुपए किलो बेच रहे हो, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करता हूं। वह कहता है कि साहब यह आलू जो 12 रुपए किलो में बेच रहा हूं यह उन 10 रुपए किलो बेचने वाले आलू से और जो 8 रुपए किलो आलू बिक रहा है उससे ज्यादा अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। लेकिन वह क्वालिटी नहीं देखता, वह कहता है क्वालिटी से मुझे क्या मतलब, आलू तो आलू ही है, आलू तो आलू ही है ना, सब्जी तो सबकी सभी आलू की बनेगी। और झगड़ा फसाद हो जाता है, बात कहा सुनी इतनी बढ़ जाती है मारपीट तक की नौबत आ जाती है। वहीं एक अप्रमाद से भरा व्यक्ति सदाचारी व्यक्ति जाता है, वह भी पूछता है, एक कहता है 10 रुपए किलो, दूसरा कहता है 8 रुपए किलो, तीसरा कहता है 12 रुपए किलो। वह विचार करता है कि उसके वह कितने रुपए के आलू खरीद सकता है, वह कौन सा आलू खरीद सकता है, इन तीनों में तीनों आलुओं की क्वालिटी अलग अलग है। वह ध्यान से देखता है, विचार करता है, अपनी जेब को देखता है, पैसे देखता है, कितना वो खरीद सकता है, कौन सा आलू स्वादिष्ट होगा, किसकी सब्जी अच्छी बन सकती है, इन सब बातों को विचार करते हुए वह 12 रुपए किलो वाला आलू खरीद लेता है क्वालिटी को देखकर और खुशी से थैंक यू कहकर वापस चला जाता है। एक प्रमादी व्यक्ति है, एक अप्रमादी व्यक्ति है।
एक को कुछ नहीं दिख रहा है, उसको तो सिर्फ झगड़ा करना है। वह यह विचार ही नहीं कर पा रहा है कि 10 रुपये किलो, 8 रुपये किलो और 12 रुपये किलो क्यों बिक रहा है। वह यह विचार ही नहीं कर पा रहा है कि जो आदमी यह आलू बेच रहा है उस आदमी का सेंस कैसा है। क्या वह पिए हुए है? क्या उसको जल्दी से पैसा कमाना है? क्या वह इसी तरह से व्यवहार करता है लोगों के साथ? वह कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। उसको तो झगड़ा करना है, उसको अपनी झल्लाहट, अपनी परेशानी, अपना जो भी मानसिक चिंता और मानसिक रोग, मानसिक परेशानी उसको है, उसको कहीं ना कहीं वह व्यक्त करनी है। अगर यहाँ व्यक्त नहीं करेगा तो घर में व्यक्त करेगा। बच्चों को डांटेगा, बीबी को डांटेगा, खाना खाते समय कहेगा ये खराब बना है, वह खराब बना है। तो जो प्रमादी व्यक्ति होता है वह सुख का अनुभव कर ही नहीं पाता, जबकि ऐसा नहीं है कि सुख किसी के लिए है और किसी के लिए नहीं है। कुदरत सबके लिए सब कुछ बराबर दे रही है। वही सूरज निकल रहा है, वही सूरज निकल रहा है। एक व्यक्ति उस सूरज को देखकर आनंदित अनुभव कर रहा है, दूसरे व्यक्ति को सूरज की जरूरत ही नहीं। तो यह सब कुछ मनुष्य की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। और मनोवृत्ति कैसे पैदा होती है? मनोवृत्ति पैदा होती है कि मनुष्य के जीवन का जो जीने का तरीका है, उसकी जीवन शैली है, वह कैसी है। और भगवान बुद्ध ने जब हमें इस मार्ग पर उपदेश दिया, जब हमें इस मार्ग पर लगाया, जब हम बुद्ध के पास पहुँचे, हमने कहा कि हमें मार्गदर्शन दीजिए, जब हमने कहा कि हमें दीक्षा दीजिए, जब हमने कहा कि हमें अपने जीवन को बदलना है, हमें निर्वाण पथ पर चलना है, तो बुद्ध ने सबसे पहले कहा कि तुम सदाचारी बनो, तुम शील के नियमों का पालन करो। शील का नियम क्या कहता है? शील का नियम कहता है कि अहिंसा पर चलना होगा, प्राणी हिंसा नहीं करनी। शील का नियम कहता है कि चोरी नहीं करनी। शील का नियम कहता है कि मिथ्याचरण नहीं करना। शील का नियम कहता है कि तुम्हें किसी भी पराई स्त्री को या पराई पुरुष को गलत निगाह से नहीं देखना। और शील का नियम कहता है कि कभी भी नशा, किसी भी प्रकार का नशा जो मन को विकृत कर दे, जो मन को प्रमत्त कर दे, जो मन को प्रमाद से भर दे, वो नहीं करना। और आज मनुष्य की जिंदगी क्या है? छोटे छोटे बच्चे, 10-12 साल के बच्चे स्कूल से बंक करके सिगरेट पीते हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, और आज तो दिल्ली में अगर बात करें या किसी महानगर की बात करें तो कुछ सालों पहले एक समाचार पत्र में एक पूरा एनालिसिस आया था जिसमें आजकल लड़कियां ज़्यादा सिगरेट पी रही हैं और लड़के कम पी रहे हैं। यह बात हैरान कर देने वाली है। इससे क्या पता चलता है? हमारा समाज कहां जा रहा है? आदमी और औरत में एक बुनियादी फर्क है। जो बुनियादी फर्क है वह है कि औरत इस कुदरत को आगे को बढ़ाने का काम करती है। औरत के अंदर गर्व है और उस गर्व में जो विकास होता है वह विकास उसके मानसिक और उसके शारीरिक कारणों का परिणाम होता है। और अगर कोई औरत शराब पिए, सिगरेट पिए,
तो उसका प्रभाव उसके गर्भ पर पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि यह हम नहीं जानते, किसी भी अस्पताल में चले जाएं, किसी भी जच्चा बच्चा केंद्र में चले जाएं, तो वहां औरत को किन किन बातों का ख्याल रखना है, औरत को अपने जीवन को कैसे जीना है, औरत को शराब और नशा सिगरेट क्यों नहीं पीनी चाहिए, उसके क्या परिणाम बच्चों पर पड़ सकते हैं, इस बात को बहुत डिटेल में बताया गया है। जब गर्भधारण करती है कोई औरत तो उसको किस तरह की बातों को सोचना चाहिए, उसको तनाव नहीं लेना चाहिए, उसको सुखद विचार और भाव उसके अंदर होने चाहिए, यह सब बातें जिस भी गाइडेंस में वह अपना इलाज करा रही है, जिस भी गाइडेंस में वह अपने बच्चे का पूरा ख्याल रख रही है, किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी गाइनो के पास, वह गाइनो इन सब बातों को बताता है कि तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें किस तरह से सोचना है, तुम्हें किस तरह से अपने जीवन को, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को, अब जब तक कि यह बच्चा गर्भ में पल रहा है और बाहर आता है, किस तरह से आपने अपनी जीवनचर्या चलानी है, यह एक गाइनो बताता है। और यह सभी औरतें जानती हैं। तो अगर एक लड़की इस दौरान में अपने स्कूल कॉलेज में, अपनी नौकरी चाकरी करने के दौरान में अगर इस तरह के कुछ भी काम कर रही है, शराब पी रही है, सिगरेट पी रही है, तो उसका परिणाम ऐसा नहीं कि वो नहीं पी सकती। हम तो एक ऐसे देश में रहते हैं, ऐसे समाज में रहते हैं जहां सब कुछ किया जा सकता है, क्योंकि हम एक लोकतंत्र का हिस्सा हैं। लेकिन यह मनुष्य के अपने विवेक पर निर्भर करता है, यह मनुष्य की अपनी प्रज्ञा पर निर्भर करता है, यह मनुष्य की अपनी सोच पर निर्भर करता है। तो हमें यह सोचना चाहिए, क्योंकि हम इस मामले में आदमी की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि आदमी का रोल गर्भ धारण करने में नहीं है, औरत का रोल है। और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने की भी जरूरत नहीं है, कोई विचार विमर्श की भी जरूरत नहीं है, यह तो हर कोई जानता है कि बच्चा जब 9 महीने 10 महीने गर्भ में पलता है तो माँ के खून का हिस्सा होता है, माँ के विचारों का हिस्सा होता है, माँ के मन का हिस्सा होता है, और वही माँ के विचार, वही माँ के खून में दौड़ता हुआ वह जो भी खून के कंटेंट्स हैं, जो भी विचारों के की जो भी भावनाएं हैं, वह सब उस बच्चे के अंदर बन रही हैं, और वह बच्चे का विकास, वह उसका बच्चे का बुनियादी विकास है, इसी से वह बच्चा विकसित होता है। और पूरी जिंदगी जब तक भी वह बच्चा अपनी उम्र को पूरा नहीं करता, तब तक यह बुनियाद ही उसके आगे आती है, यह बुनियाद ही उसका पूरा जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस बुनियाद से ही पूरे उसके भवन का निर्माण होना है। बहुत गहरे में अपने जीवन को समझना होगा। इसलिए बुद्ध ने हमें शील के नियम दिए। आज हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति तनाव में है, हर व्यक्ति ओवरथिंकिंग में चला गया है, स्ट्रेस में चला गया है, और वह इस स्ट्रेस में, इस ओवरथिंकिंग में, इस प्रेशर में क्या काम करता है? शराब का सहारा लेता है, सिगरेट का सहारा लेता है, उसे लगता है कि इससे कुछ उसको तसल्ली मिलेगी, कुछ शांति मिलेगी, लेकिन यह हल नहीं है, यह हल नहीं है, यह तो एक विशेष साइकिल है। और ऐसा नहीं कि यह गर्त यहीं तक, इसी जिंदगी तक है,
यह गर्त न जाने कितनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। हम समझना होगा, क्योंकि हम इस कुदरत का हिस्सा हैं। यह कुदरत हमसे चलने वाली है, आदमी हो या औरत हो, कुदरत हमसे चलने वाली है। और हम चाहते हैं कि हम शादी भी करें, हम चाहते हैं कि हम घर परिवार भी मनाएं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे बने, हम चाहते हैं कि उनका एक बहुत अच्छा विकास हो, उनका एक नाम हो, वह समाज में कुछ अच्छा करें। और दूसरी तरफ हमारी अपनी करनी कैसी है, हमारी अपनी सोच कैसी है, हमारे अपने कार्य कलापों को करने का तरीका क्या है। हम बुद्ध के वचनों को, हम किसी भी संत के वचनों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, और हम कार्य क्या कर रहे हैं, हमारी रोज की जीवनचर्या का हिस्सा क्या है, हमारी रोज की जीवनचर्या क्या है। कितना अफसोस होता है, जरा सोचो। एक व्यक्ति लगातार सिगरेट पिए जा रहा है, लगातार तमाकू खाए जा रहा है, गुटखा खाए जा रहा है, उसे पता ही नहीं चलता कि वह कितने अपने पैसों को तो बर्बाद कर ही रहा है, शराब पीकर, सिगरेट पीकर, गुटखा खाकर या और कोई नशा करके। साथ ही इतनी मेहनत की कमाई को बर्बाद भी करता है, और साथ में अपनी आने वाली जनरेशन को, जिसको वह कहता है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे पोते हैं, मेरे नाती हैं, मेरा यह मेरा वह, उसे पता ही नहीं कि वह उनकी बीमारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ऐसा नहीं है कि कोई अनपढ़ आदमी, कोई कम पढ़ा लिखा आदमी, कोई जिसके अंदर दिमाग कम है वह यह काम कर रहा है। बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग यह काम कर रहे हैं, और बड़े शौक से करते हैं, सीना तान कर खड़े होकर रोड में, सड़क पर चलते हुए, अपने ऑफिस में, और यहां तक कि पब्लिक प्लेसेस में जहां नहीं करना चाहिए नो स्मोकिंग नो ड्रिंकिंग लिखा हुआ है, वहां भी करते हैं। और हम सब पढ़े लिखे हैं, हम सब टाई पहनकर घर से निकलते हैं, सेंट डालकर घर से निकलते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर, प्रेस करे हुए कपड़े पहनकर निकलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में निकलते हैं। हमारा मान सम्मान भी है, लोग हमें बहुत अच्छा साहब समझते हैं, बहुत अच्छा दिमाग वाला व्यक्ति समझते हैं, हम अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं, हम अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में हमने दीमक के घर बनाए हुए हैं, और यह दीमक दिखती भी नहीं, और यह दीमक अंदर ही अंदर कुरेदती रहती है, और एक दिन यह भवन बाहर से वैसे ही दिखता है, लेकिन पता ही नहीं चलता कि कब यह बुरादे में तब्दील हो गया, कब यह इसकी सारी रेत निकलने लगी, और कब यह भवन गिर गया इसका पता ही नहीं चलता। और यह भवन गिरता ही नहीं है, यह भवन जनरेशन की जनरेशन को बर्बाद कर देता है, आने वाली पीढ़ियों को खोखला कर देता है। वह दीमक ऐसा नहीं कि यही किसी एक व्यक्ति पर लगी है, यह दीमक अनंत गुना होकर पीढ़ी की पीढ़ी दर पीढ़ी को बर्बाद कर देती है। और हम बड़े शौक से इसका आनंद ले रहे हैं, और बड़े सीना तान कर हम दूसरे के सामने यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो हम कितने मॉडर्न हैं। तुम मॉडर्न हो भला, तुम कुछ भी करते हो भला, लेकिन अगर तुमने जनरेशन के बारे में सोचा है, अगर तुमने अपने बच्चों के बारे में सोचा है, अगर तुमने अपने घर परिवार के बारे में सोचा है, तो फिर विचार करना होगा, क्योंकि तुम कुदरत का एक हिस्सा हो, और कुदरत तुम्हारे जरिए निर्माण करती है, आगे को फैलाती है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि अगर तुम सदाचार को अपनाना चाहते हो, अगर तुम बुद्ध वचन को निभाना चाहते हो, तो फिर इस बात पर विचार करो कि यह कुदरत से तुम्हें जुड़ना होगा, कुदरत को तुम बर्बाद नहीं करना होगा, और कुदरत को बर्बाद
करने का मुख्य काम है जब हम अपने मन को प्रमत्त कर देते हैं। और प्रमत्त कैसे होता है? जब हम प्राणी हिंसा करते हैं, मन काला हो जाता है, कठोर हो जाता है। एक बार हिंसा करके तो देखो, फिर देखो दूसरी बार कितना आसान हो जाता है। एक बार क्रोध करके देखो, द्वेष करके देखो, फिर दूसरी बार क्रोध करना कितना आसान हो जाता है। पहली बार में मुश्किल होती है, क्यों? क्योंकि अभी उसने आदत का हिस्सा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वह कार्य करने की अभी हमने कभी किया ही नहीं, इसलिए झिझक है। दूसरी बार में झिझक कम हो जाती है, पता चल गया, और माइंड तो इंप्रेशन बनाता है। उसने इंप्रेशन बना दिए, उसने उस इंप्रेशन से अगली बार उसको वह रिपीट करने में बहुत आसानी अनुभव करेगा, बहुत आसानी से रिपीट कर देगा, और अगली बार और भी उसका उसको पता भी नहीं चलेगा कि कब उसने रिपीट कर दिया। और धीरे धीरे एक ऐसी आदत का हिस्सा बन जाएगा और प्रमाद इतना गहरा हो जाएगा कि सदाचारी व्यक्ति इस संसार में सुखी रहता है। यह मात्र उसके लिए कल्पना है, किताबों में पढ़ी हुई बात है। सदाचारी व्यक्ति इस संसार में सुखी रहता है, वह फिर सिर्फ नैतिक शिक्षाओं में रह जाता है, सिर्फ इस तरह के धर्म ग्रंथों में रह जाता है, फिर वह इनको रोज पढ़ता है। लेकिन रोज फिर जैसे ही इस किताब को बंद करता है, फिर उसके हाथ में सिगरेट होती है, उसके मुंह में गुटखा होता है, शाम को वह शराब पीता है, दिन भर वह कृत्य करता है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने का, पैसे कमाने का काम करता है, और शाम को विचार करता रहता है कि शाम को आज किस तरह से कहाँ से वह अपना जो है शराब पीने की व्यवस्था करेगा या कोई और नशा करने की व्यवस्था करेगा। यह हमारा जीवन है, और इस जीवन को हम यह कह रहे हैं कि हम यहाँ बड़ा आनंद कर रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि देखो कहीं से आज देखो कितना आज कहीं पार्टी चल रही है। हम इसको कहते हैं कि चलो कुछ मज़ा कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि चलो ऐसा है कुछ थोड़ी देर मूड फ्रेश कर देते हैं। इसको हम कहते हैं कि मूड फ्रेश हो रहा है। हमें पता ही नहीं कि जिसको हम मूड फ्रेश कह रहे हैं, यह मूड फ्रेश किस तरह से हमारे अंदर एक दीमक का काम कर रहा है और किस तरह से हमें नरक में धकेल रहा है। और दूसरी बात है कि जो बुद्ध कह रहे हैं इस धार्मिक उपासक को उपदेश करते हुए कि वह परलोक में भी सुखी रहता है और अपने कर्मों की विशुद्धता को देखकर हर्षित एवं आनंदित होता है। कौन? वह जो इथ मोदति पेच मोदति कतपुंयो उभयथ मोदति, वह यही नहीं परलोक में भी मोदित होता है, सुखी होता है। परलोक कहाँ है? परलोक का अर्थ है कि जहाँ भी वह उसका अगले संस्कारों के कारण वह पैदा होता है, वह वहाँ भी सुखी होता है, वहाँ भी वह उसकी प्रोग्रेस हो रही होती है। प्रोग्रेस का अर्थ है कि जिसको हम कहते हैं एवोल्यूशन, यह एवोल्यूशन जो अर्थ रखता है वह यही रखता है कि उसका आनुवांशिक विकास हो रहा होता है। और आनुवांशिक विकास क्या होता है कि वह सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ता रहता है। जैसे बुद्ध ने कहा कि संस्कारों से मनुष्य दोबारा पैदा होता है, और जैसे उसके अंदर संस्कार होंगे उन्हीं संस्कारों के हिसाब से उसको नया बर्थ मिलता है, नया जन्म मिलता है। और जिस व्यक्ति का मन ही कुलुषित हो गया हो, जिस व्यक्ति ने अपने मन को ही जला डाला हो शराब और किसी अन्य नशे से, उस व्यक्ति की दुर्दशा यही नहीं होनी, उस व्यक्ति की दुर्दशा फिर उसके बाद अगले आने वाले जन्म में भी होनी है। और जन्म तो आना ही है क्योंकि संस्कार लगे हैं। जब तक संस्कारों से मुक्ति नहीं होगी, जब तक हम निर्वाण पद को प्राप्त नहीं कर लेंगे, जब तक हम जीते जी मुक्ति को अनुभव नहीं कर लेंगे, तब तक हम मुक्त हो नहीं सकते। तब तक तो हम जन्म और मरण के चक्र में हमें आना ही होगा। यह बुद्ध के वचन है, यह बुद्ध की शिक्षा है। ऐसा भी नहीं है कि यह काल्पनिक है। अपने जीवन पर विचार करना चाहिए। आज एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाते हुए उसकी भावनाएं, उसके विचार किस तरह से बदल रहे हैं, इससे विचार करना चाहिए कि यह विचार उसके अंदर कहां से आ रहे हैं।
यह विचार उसके संस्कारों का परिणाम है। छोटे से बच्चे को अपने घर में देखें और फिर देखें कि क्या संस्कार लेकर यह आया है, पता चलेगा। और उन्हीं संस्कारों का पीछा करता हुआ वह रास्ता बनाता हुआ चलता है और उसका जीवन चलता है। इसको बुद्ध कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सदाचारी है, इद्ध मोदति पेच मोदति कत पुण्यो उभयत्थ मोदति सो मोदति सोपमोदति दिस्वा कम विशुद्ध मत्तनो। उस व्यक्ति का परलोक में भी विकास होता है, यानी अगले जन्म में भी वह विकास के पथ पर होता है, वह आगे को ही बढ़ेगा। जिसने इस लोक में, इस जन्म में जिसने बुद्ध के वचनों का पालन किया, वह अगर उसके अंदर संस्कार कुछ लगे हुए हैं और उसको नया जन्म मिलता है, तो वह जन्म उसका इस जन्म से सुखदायी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो संस्कार लगे हैं वह इसी भावना के लगे हैं कि उसको निर्वाण पद की तरफ आगे बढ़ना है। इसीलिए तो हम बुद्ध तक पहुँचते हैं। जन्मों जन्मों की यात्रा के बाद कोई गुरु तक पहुंच पाता है। यह बहुत ही थकान भरा, बहुत ही कंटीला और बहुत ही भटकन भरा जीवन होता है। इस जीवन में हर कोई अपना रास्ता नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़ी फिसलन है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी भटकन है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा प्रमाद और प्रमत्त होने के लिए बहुत बड़े बड़े साधन हैं। और मन हवा से भी तेज है, मन पानी से भी पतला है, मन हवा से भी तेज है। और किस तरह से वो बदलेगा और किस तरह से वो कहाँ को अपना रुख कर लेगा कोई नहीं जानता। इसलिए हमें गुरु की अनिवार्यता है, इसलिए हमें बुद्ध की अनिवार्यता है, इसलिए हमें ज्ञानियों के वचनों की अनिवार्यता है कि किसी तरह से हम अपने मन को कंट्रोल में रख सकें, किसी तरह से हम अपने मन को लगा सकें, हम बुद्ध के चरणों में बैठकर बुद्ध की आभा, बुद्ध की प्रभा, बुद्ध की प्रतिभा को से आनंदित हो सकें, अपने जीवन को बदल सकें, अपने मन को सदाचारी बना सकें, अपने मन को सदाचार और सदाचारी बनाकर उसको उस मार्ग पर लगा सकें जो हमें आने वाले दिनों में भी सुख की तरफ ले जाएगा। और धीरे धीरे हम उस पथ पर बढ़ते चले जाएंगे जो हमें परम आनंद तक ले जाएगा। परम आनंद का अर्थ है परलोक तक, परम आनंद का अर्थ है परम लोक तक, जहाँ के बाद कोई जन्म मरण नहीं होता, कोई पुनर्जन्म नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। बुद्ध ने कहा कि दुख इस संसार में आर्य सत्य है। कौन सा दुख? यही बार बार जन्म, बार बार मरण। और क्या आर्य सत्य है? आर्य सत्य यही कि दुख के सिवाय यहाँ कुछ भी नहीं, क्योंकि जन्म के बाद मौत और मौत के बाद फिर जन्म, यह चक्र यहाँ इतना भयावह है कि यहां से कभी कोई निकल ही नहीं सकता, आसान नहीं है निकलना। बुद्ध ने कहा इस भवलोक से निकलना आसान नहीं। कौन निकल पाएगा? जो चित्त सदमार्ग पर लगा होगा। बुद्ध ने क्या कहा? जो मां बाप नहीं दे सकते, वह एक सतमार्ग पर लगा हुआ चित्त दे सकता है। और सतमार्ग पर चित्त कब लगेगा? सदमार्ग पर चित्त लगेगा जब कोई बुद्ध मिलेगा, जब कोई गुरु मिलेगा। नहीं तो क्या जरूरत है बुद्ध को अपने पीछे इतने लोगों को लगते रहने की? क्यों नहीं बुद्ध कहते कि जाओ, तुम घर जाओ अपने, तुम अपना काम करो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम क्यों मेरे पीछे लगे हो? मुझे मिला है क्योंकि मैंने मेहनत की, मुझे मिला है क्योंकि मैंने प्रयास किया, मुझे मिला है क्योंकि मैं दो गुरुओं की शरण में गया, मुझे मिला है क्योंकि मैंने अपने विवेक और अपने प्रज्ञा को आगे रख कर सहारा लिया, मुझे मिला है क्योंकि मैंने इस संसार से ऊपर उठने की कोशिश की, मुझे मिला है क्योंकि मैंने इस संसार में दुख का अनुभव किया है। और क्या हमें रोज तनाव में दुख का अनुभव नहीं होता?
क्या हमें रोज इस ग्रह घर गृहस्थी में दुख का अनुभव नहीं होता? क्या हमें रोज इस दुनिया में दुख का अनुभव नहीं होता? क्या हमें रोज यह अनुभव नहीं होता कि जिस सुख की तलाश में मैं था वह सुख पा लेने के बाद दुख में बदल गया? क्या मैंने देखा नहीं कि मैं जिस बेटे को यह सोचता था कि यह बेटा मेरे जीवन का सहारा बनेगा, यह बेटा मैंने अपने सामने मरते हुए नहीं देखा? या कोई बाप जो यह बेटा यह कह रहा है कि मैं इस बाप ने मुझे सहारा दिया है और मैं इसके सहारे अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा, इस बाप को मैंने मरते हुए नहीं देखा? क्या मैंने अपनी माँ को मरते हुए नहीं देखा? क्या मैंने अपने परिवार को यहाँ से जाते हुए नहीं देखा? क्या मैंने अपने परिवार में दुख नहीं देखे? क्या मैंने इस समाज में बिलकते हुए, पटकते हुए, छाती पीटते हुए लोग नहीं देखे? कौन सा सुख देखा मैंने यहाँ? यही बिलकते हुए, छाती पीटते हुए लोग एक दिन खुशियाँ मनाते हैं, लड्डू बांटते हैं कि हमारे वहाँ बच्चा हुआ है, हमारे वहाँ प्रोग्रेस हुई है, हमारा बच्चा सिविल सर्वेंट बना है, हमने बिजनेस में इतनी प्रोग्रेस कर ली है। और फिर उन्हीं लोगों को हम छाती पीटते हुए देखते हैं, फ्रस्ट्रेटेड देखते हैं, मुरझाया हुआ चेहरा देखते हैं, उनके उनके दुख से भरे हुए चेहरे देखते हैं। और जब पूछते हैं तो वो कहता है कि बच्चा नहीं रहा। वो फिर कहता है कि जो बच्चा सिविल सर्वेंट था उसके खिलाफ अब इतने इतने केस चल रहे हैं, वह बहुत प्रेशर में चला गया, वह डिप्रेशन में चला गया, वह ओवर स्ट्रेस्ड हो गया, वह ओवर थिंकिंग में चला गया, और जिस बच्चे को हमने पाल पोस कर बड़ा किया वह नालायक बन गया, वह नशेड़ी बन गया, वह शराब और नशे में लिप्त रहने लगा, वह बहुत ही आक्रामक हो गया, बहुत ही क्रूर हो गया। सुख थे, कुछ दिनों के सुख भी थे, लेकिन वह सुख अंत में दुख में बदल जाते हैं, क्योंकि मौत तो आएगी ना, बुढ़ापा तो आएगा, बीमारी तो लगेगी, और बीमारी में कौन सुख का अनुभव करता है, जरा सोचो। और जब किसी की मौत होती है अपने घर में, अपनी बिरादरी में, अपने रिश्ते में, अपने पड़ोस में, अपने समाज में, तो हम क्या सुख का अनुभव करते हैं? हम दुख से एकदम ठिठक जाते हैं। अरे, सामने से कोई शव दिखाई दिया जाते हुए, एकदम से रुक गए, मन एकदम से भारी हो जाता है। यह क्या बात है, बुद्ध ने भी पहली बार शव देखा था, लेकिन हम फिर अपने काम पर निकल जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे वहां तो कुछ नहीं हुआ। जीवन को समझेंगे अगर, तो उसके लिए सबसे पहले बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारना होगा, और बुद्ध के वचनों को उतारने के लिए शील के नियमों को अपने जीवन में उतारना होगा, बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए, उस मार्ग पर चलने के लिए किसी गुरु की शरण लेनी होगी, और गुरु की शरण में लेकर उसके बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में उसका पालन करना होगा, मेहनत करनी होगी, अभ्यास करना होगा, अपने जीवन को साधारण बनाना होगा, सदाचारी बनाना होगा, अपनी तृष्णाओं को देखना होगा, अपने को अप्रमादी बनाना होगा, अपनी अवेयरनेस, अपने होश को जगाना होगा, तब यह होगा। ऐसे ही किसी के आगे बैठकर नतमस्तक होकर भी नहीं होने वाला कि गुरु अब तुम करो, हम तुम्हारे चरणों में आ गए। नहीं, बुद्ध ने क्या कहा कि बुद्ध तो मार्ग दिखा सकते हैं, करना तो तुम्हें ही होगा। हमें जीवन को गहरे में उसकी समझ पैदा करनी होगी, जीवन को गहरे में देखना होगा। यह जीवन क्षणभंगुर है, यह कभी भी बिनस जाएगा, और यह बहुत मूल्यवान भी है, इसलिए तो बुद्ध कह रहे हैं यह बहुत मूल्यवान है, क्योंकि इसी जीवन में होना है। यह जीवन गया तो फिर क्या पता, इसी को तो क्या कह रहे हैं श्रावस्ती के जेतवन में, इस धार्मिक उपासक को उपदेश देते हुए क्या कहते हैं भिक्षुओं को कि सदाचारी व्यक्ति इस संसार में तो सुखी रहता ही है, वह परलोक में भी सुखी रहता है, वह अपने कर्मों की विशुद्धता को देखकर हर्षित एवं आनंदित होता है। इद मोदति पेच मोदति कतपुयो उभयत मोदति सो मोदति सोपमोदति दिस्वा कम विशुद्धि मत्तनो। इस लोक में भी सुख भोगता है, और आने वाले जन्म अगर है तो उसमें भी सुख भोगता है, और एक दिन वह
मोद करता है, प्रमोद करता है और अपने कर्मों की विशुद्धि को देख देख कर हर्षित होता है। और एक दिन कर्मों को विशुद्ध करते करते संस्कारों को प्रहण कर लेता है। संस्कारों का प्रहण हो गया तो जीवन मुक्त हो गया और फिर परम लोक, जहाँ न कोई जन्म न कोई मरण। हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारने की बहुत गहरी कोशिश करनी चाहिए। नमो बुद्धाय।